डायबिटीज जिसको मधुमेह भी कहा जाता है उसके लिए योगाभ्यास इस प्रकार है। सबसे पहले कटी चक्रासन का अभ्यास। स्थिति में खड़े हो जाइए, दोनों पैर हाथ शरीर से लगे हुए, कमर सीधी, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथ कंधों के बाजू में स्ट्रेट उठाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपना शरीर बाएं तरफ इस तरह से घुमाइए कि आपका दाहिना हाथ बाएं कंधे पर और बाया हाथ कमर पर हो। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इसको मेंटेन कीजिए। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए रिवर्स ऑर्डर में दोनों हाथ सामने लेकर आइए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लेकर आइए। इस अभ्यास को दूसरी तरफ से भी दोहराइए। त्रिकोणासन का अभ्यास। स्थिति में खड़े हो जाइए, दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए, दोनों पैरों में 2 से 3 फीट की दूरी रखिए। अपने बाएं पैर को, बाएं पंजे को बाईं तरफ मोड़िए, दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर उठाइए, कंधों के लेवल पर उठाइए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपना बायां हाथ बाएं एंकल के पास लेकर आइए, दाहिना हाथ ऊपर की तरफ रखिए और अपना पूरा ध्यान दाहिने हाथ के अंगूठे की तरफ केंद्रित कीजिए। ध्यान रखें आपका शरीर आगे या पीछे ना हो, एकदम स्ट्रेट हो। धीरे से श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर आइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लेके जाइए और स्थिति में आकर रिलैक्स कीजिए। इसको दूसरी तरफ से भी अभ्यास कीजिए। वक्रासन का अभ्यास। स्थिति, दंडासन में बैठ जाइए, दोनों पैर स्ट्रेट, दोनों हाथ जांघों पर रखिए, कमर सीधी। दाहिने पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बाजू में रखिए। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी तरफ मोड़ते हुए दाहिने हाथ को स्ट्रेट जमीन पर पीछे रखिए, बाएं हाथ से दाहिने घुटने को अंदर की तरफ दबाते हुए अपने एंकल को पकड़िए, सिर को पीछे की तरफ रखिए। सामान्य श्वासों के साथ इस पोजीशन को मेंटेन कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ रिलीज कीजिए, कमर सीधी कीजिए और पैर सीधे कीजिए। सेम प्रैक्टिस को बाईं तरफ से दोहराइए। शशांकासन का अभ्यास। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों हाथों को सामने जांघों पर रखिए, श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ सामने से ऊपर उठाइए, स्ट्रेच करते हुए अपनी गर्दन और अपनी कमर को पीछे की तरफ हल्का सा झुकाइए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, दोनों हाथ और माथा सामने ज़मीन पर रखिए। सामान्य श्वासों के साथ 5-10 सेकेंड्स के लिए मेंटेन कीजिए। श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ उठाकर ऊपर स्ट्रेच कीजिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने थाइस पर रखिए और कुछ सेकेंड्स तक रेस्ट कीजिए सामान्य श्वासों के साथ। इस प्रैक्टिस को 2 से 3 बार रिपीट कीजिए। अब प्राणायाम का अभ्यास। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखिए चिन्ह और ज्ञान मुद्रा में।
अपने दाहिने हाथ से नासिकाग्र मुद्रा अपनाइए। शुरुआत की दोनों उंगलियों को फोल्ड कीजिए, लास्ट की दोनों उंगलियां और अंगूठे को फ्री रखिए। सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों उंगलियां जो फ्री हैं आपकी, उससे अपनी बाई नाक, लेफ्ट वाली नाक को बंद कीजिए। दाहिनी नाक से गहरी लंबी श्वास अंदर लीजिए। अब अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद कीजिए और बाई नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। ये एक राउंड है आपका, को 9 से 10 राउंड रिपीट कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ थोड़ा सा रेस्ट। अब कपाल भाति प्राणायाम का अभ्यास। कमर सीधी, गर्दन सीधी रखिए, आंखें बंद, गहरी लंबी श्वास अंदर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए फोर्सफुली ताकत लगाकर श्वास बाहर छोड़िए और सामान्य रूप से श्वास अंदर लीजिए। हर एक राउंड में 20 से 30 स्ट्रोक्स लगाइए और इस अभ्यास को 4 से 5 राउंड्स तक रिपीट कीजिए। कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। अंत में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। अपने दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर से, दोनों उंगलियों से अपने दोनों कान बंद कीजिए। गहरी लंबी श्वास अंदर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए म कार का उच्चारण कीजिए। अपने मन ही मन म कार के कंपन को महसूस कीजिए। मधुमक्खी की तरह साउंड प्रोड्यूस कीजिए। इस अभ्यास को 9 से 10 बार रिपीट